हाय फ्रेंड्स, सरलास किचन में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ कद्दू की सब्जी की रेसिपी शेयर करूंगी, जो तीखी, खट्टी, मिट्टी सब टेस्ट की बहुत ही मज़ेदार सब्जी बनती है फ्रेंड्स। और ये घर के ही मसालों से बनती है, लेकिन इसका मसाला बनाना ही इसकी एक खूबी है। तो ये फ्रेंड्स, आप देख सकते हो कितनी अच्छी सी ये सब्जी बनी है। तो आज मैं आपके साथ ये सब्जी की रेसिपी शेयर करती हूँ। हम कद्दू की सब्जी बनाएंगे, यानी पम्पकिन भी बोलते हैं, तो पम्पकिन की सब्जी बनाएंगे। और ये कद्दू ऐसे ग्रीन वाला भी मिलता है, येलो वाला भी मिलता है, लेकिन आज हम ग्रीन वाली कद्दू से हम सब्जी बनाएंगे। और ये कद्दू में से ये बीच में जो बीज है वो निकाल देने हैं। लेकिन फ्रेंड्स, क्या करना है कि ये कद्दू आपको जब भी यूज़ करना है तभी इसके बीज निकालने हैं। पहले से कद्दू के बीज निकाल के स्टोर नहीं करना है। कद्दू के बीज निकाल दोगे और स्टोर करोगे तो कद्दू बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। तो यहाँ से ये सब बीज हमें निकाल देना है। और ये कद्दू थोड़ा सा स्वीट होता है, उसकी नेचुरल मिठास होती है, इसलिए बहुत ही टेस्टी बनती है सब्जी। और ये कद्दू की ये जो स्कीन है ना, वो हम निकाल देते हैं। ये स्कीन थोड़ी सी हार्ड होती है, ज़्यादा हार्ड नहीं होती है। कई बार क्या होता है, क्योंकि स्किन के साथ भी सब्जी बनाते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे इसकी स्किन उतार के हम थोड़ा कट कर लेते हैं। और यहाँ पे इसके पीसेस थोड़े थोड़े बड़े कट करने हैं, इसके लिए ऐसे थोड़ा दो पार्ट करके हम स्किन निकाल देते हैं। और ये हमारा कद्दू स्किन निकाल कर रेडी हो गया है। अभी इसके पीसेस कर लेते हैं, छोटे टुकड़ों में कट कर लेते हैं। चाकू से भी आप कट कर सकते हो ऐसे। और ये कद्दू को हमने कट कर रेडी कर लिया है। अभी एक मीडियम साइज का टमाटर लेते हैं और ये टमाटर को फिर हम छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेते हैं। रेडी हो गया। अभी एक मसाला बना लेते हैं। मसाले में क्या करते हैं फ्रेंड्स कि घर के ही मसाले हैं, लेकिन कैसे यूज करना है वो कर लेते हैं। एक छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधी चम्मच हल्दी पाउडर और एक बड़ी चम्मच धनिया जीरा पाउडर और आधी चम्मच गरम मसाला। और इसके अंदर थोड़ा अच्छा सा टेस्ट देने के लिए आधी चम्मच आमचूर पाउडर से थोड़ा खट्टा टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और आधी चम्मच दरदरा पीसा हुआ सौंफ यानी वरियाड़ी। और ये सब मसाला मिक्स कर लेते हैं। ये मसाला मिक्स करने के बाद एक चम्मच जितना अदरक और हरी मिर्च की पेस्ट ऐड करते हैं। और ये मिर्ची मैंने यहाँ पे तीखी वाली ली है। ये सब्जी में हम प्याज और लहसुन दोनों कुछ भी यूज़ नहीं करेंगे। और अच्छे से ये मसाला हमारा मिक्स हो गया है। अभी गैस पे एक कढ़ाई चढ़ा देते हैं और कढ़ाई में आधी चम्मच जीरा और एक चम्मच एक टेबलस्पून जितना तेल और 1/4 टीस्पून जितनी राई और 1/4 टीस्पून जितना हींग ऐड करके टमाटर को डाल देते हैं और फिर मिक्स कर लेते हैं। ये मिक्स करने के बाद फ्रेंड्स, जो हमने मसाला बनाकर रेडी रखा है ना, जो मेन ये पूरा मसाला इसके अंदर हम डाल देते हैं। फ्रेंड्स, ये पूरा मसाला हम डालने से सब्जी बहुत ही टेम्पटिंग बनती है। ये कद्दू हमारे गांव में हमारे खेत में होता था, तो मेरी माँ और मेरी दादी माँ दोनों ये सब्जी बनाते थे। तो इसके अंदर हम थोड़ा सा ये आमचूर डाला है ना, तो हम इसके साथ थोड़ा सा गुड़ ऐड कर लेते हैं। गुड़ यहाँ पे ऑप्शनल है, लेकिन गुड़ डालने से फ्रेंड्स थोड़ा आमचूर है और ये है, तो खट्टा मीठा टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। मिक्स करने के बाद पूरा कद्दू इसके अंदर हम डाल देते हैं, जो हमने कट करके रखा था वो, और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं।
और थोड़ा सा भूनना है ताकि सब मसाला कद्दू में अच्छे से बैठ जाए। और थोड़ी देर ढककर पकने देते हैं। 2 मिनट बाद अभी चेक कर लेते हैं। बहुत अच्छे से ये मसाला भुन गया है। अभी इसके अंदर हम आधा ग्लास जितना पानी ऐड कर लेते हैं और फिर से मिक्स करके इसके ऊपर लिड लगा देते हैं, ढक्कन लगा के पकने देते हैं। थोड़ा कद्दू अच्छे से सॉफ्ट हो जाए तब तक हमें पकाना है। अभी हमने नमक नहीं ऐड किया था तो लास्ट में हम नमक ऐड कर लेते हैं और मिक्स कर लेते हैं। और मिक्स करने के बाद फिर से इसके अंदर हम लिड लगा देते हैं और ढककर थोड़ी देर पकने देते हैं। करीबन 3 मिनट बाद आप देख सकते हो बहुत ही अच्छे से एक रस हो गया है और ऊपर से हम फ्रेश हरा धनिया ऐड कर लेते हैं। कितना अच्छा कलर आया है फ्रेंड्स, और सब्जी भी बहुत ही टेम्पटिंग बनी है, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। इसके अंदर ये सौंफ पाउडर हमने डाला है ना, तो थोड़ा दरदरा पीस के वो टेस्ट और आमचूर का टेस्ट और थोड़ा सा हमने गुड़ ऐड किया है तो बहुत ही अच्छा लगता है फ्रेंड्स। और उसमें ना प्याज है कि ना लहसुन है तो भी ये टेस्टी सब्जी बहुत अच्छी लगती है। तो ये सब्जी आप रोटी के साथ या पराठे के साथ खा सकते हो। तो देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छी हमारी ये सब्जी बनकर रेडी हो गई है और कद्दू भी अच्छे से पक गया है फ्रेंड्स। तभी कद्दू की सब्जी को प्लेट में निकाल देते हैं। फ्रेंड्स, एकदम थोड़ी तीखी, थोड़ी मीठी और थोड़ी सी खट्टी और बहुत अच्छी सब्जी ये बनी है। और हम एक ही चम्मच तेल से इतनी अच्छी सब्जी बना सकते हैं तो फिर इतना हेल्दी सब्जी तो खाना ज़रूरी है। और कद्दू तो बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो फ्रेंड्स, आज की रेसिपी मेरी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर।